नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और नजर डालते हैं इस वक्त की देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों की। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, संबित पात्रा बोले माफी मांगे केजरीवाल। नागपुर के बाद अब अनिल देशमुख के मुंबई आवास पर भी छापा, ईडी ने अब तक 5 ठिकानों पर मारी है रेड। केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल ने किया दावा, दिल्ली गवर्नमेंट ने मांगे थे जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन, राज्य में डेल्टा प्लस से अब तक नहीं हुई है किसी की मौत। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से गुलिडियन बेरी नामक बीमारी का खतरा, अब तक 11 मामले आए सामने, हाल ही में हुई स्टडी में हुआ खुलासा। चाइना से तनाव के बीच इंडियन आर्मी कर रही बड़ा बदलाव, इंडियन आर्मी खरीदेगी 1750 लड़ाकू विमान, देश में ही बनेंगे सेना के कॉम्बैट व्हीकल। पीएम मोदी से मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान करा, कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से करेंगे बहाल। पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी साजिश रचने वाले 7 टेररिस्ट के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी से बिहार में हुई ठगी, आधार कार्ड पर खरीद लिया गया खाद, पुलिस मामले की कर रही जांच। सीएम मांझी ने उठाई निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग, ट्विटर पर रविशंकर प्रसाद को संबोधित करते हुए लिखा आउटसोर्सिंग में आरक्षण देना हो चाहिए प्रस्ताव। राजदा मनाएगा अपना 25वां स्थापना दिवस, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद, दिल्ली से ही कार्यकर्ताओं के समक्ष रखेंगे अपने विचार। दिल्ली एम्स के अध्ययन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, आईसीयू में बुजुर्गों से ज्यादा गई युवाओं की जान। रॉबर्ट वाड्रा की कार का कटा चालान, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के कारण हुई टक्कर, वाड्रा का ड्राइवर चला रहा था कार। मुख्यमंत्री आवास में विस्तार कार्य का भाजपा विधायकों ने किया विरोध, कहा नियमों की अनदेखी कर खर्च किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। एनसीपी बीएसएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन, राजस्थान बॉर्डर से पकड़ी गई 56 किलो हीरोइन की बड़ी खेप, लाहौर से जुड़े हैं आरोपियों के तार। आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में वकील और पुलिस के बीच हुए विवाद ने पकड़ा तूल, बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। आगरा के गांव खेड़ा कोरेई में बारिश के दौरान हुआ बड़ा हादसा, बारिश की वजह से पेड़ ग्रामीणों पर टूटकर गिरा, पति पत्नी सहित 3 लोगों की हुई मौत। कानपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर सफाइयों का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कहा सरकार ने केवल गरीब लोगों के खिलाफ किया है काम। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किया अलर्ट, एक्टिव मोड में आए कई अस्पताल। लखनऊ में बारिश की वजह से सड़कों की स्थिति हुई उजागर, जलभराव की वजह से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। लखनऊ
लखनऊ में शातिर जालसाजों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का नाका पुलिस ने किया पर्दाफाश। शातिरों के पास से 10 लाख रुपए हुए बरामद। पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा। लखनऊ में इंदिरा नगर पुलिस और क्राइम टीम ने मयूर रेजिडेंसी में हुई चोरी का किया खुलासा। हुए पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में कुछ लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में बाढ़ के कारण नदियों का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। जिलाधिकारी ने लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की दी हिदायत। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने किया गाजीपुर बॉर्डर का कूच। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। सहारनपुर में धर्मांतरण मामले में एटीएस की कार्यवाही जारी। एटीएस ने संदिग्ध युवक से की पूछताछ। सोनभद्र में शौच के लिए गए 4 बच्चों में से 3 बच्चे नाले में डूबकर हुई उनकी मौत। बच्चों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बच्चों के शवों को बाहर निकाला। अलीगढ़ में विवाहिता का फांसी से लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट। बाहर से आने वाले लोगों के किए जाएंगे सैंपल। सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान की पत्नी ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। शहीद कौशल रावत की पत्नी ने परिवार आर्थिक सहायता राशि की है मांग। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटे। कुशीनगर में गड्ढे में डूबने से किशोर की हुई मौत। ऑक्सीजन प्लांट के लिए खोदने गए थे गड्ढे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आएंगे लखीमपुर खीरी। जनपद आगमन पर भाजपा करेगी भव्य स्वागत। यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। धर्मांतरण मामलों के लिए जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। यूपी के शाहजहांपुर रामगंगा नदी उफान पर। बाढ़ से लोगों के घरों में घुसा पानी। आवागमन भी हुआ है ठप। जौनपुर के शाहगंज में विधवा और बच्चों के धर्मांतरण का हुआ खुलासा। एक अधिकारी का नाम भी आया सामने। अधिकारी पर आरोपियों की मदद का लगा है आरोप। रामपुर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्यवाही। 2 मंजिला इमारत को किया गया सील। भवन निर्माता को विपरीत मानचित्र के लिए देना होगा शमन शुल्क। सहारनपुर के देवबंद में तैनात सिपाही की गोली लगने से हुई मौत। किराए के मकान में संदिग्ध अवस्था में मिला है शव। यूपी में मेरा बूथ कोरोना मुक्त की मुहिम चलाएगी भाजपा। 100% टीकाकरण कराने का होगा लक्ष्य। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले भाजपा की कुनीतियों के कारण बढ़ी बेरोजगारी और विस्फोटक हो सकती है स्थिति। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश। लागू करे समान पाठ्यक्रम।
फर्रुखाबाद के पूर्व राज्य मंत्री के पुत्र सचिन यादव सपा से निष्कासित, पार्टी के साथ भीतरघात करने का लगा है आरोप। बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की प्रत्याशी बनी सुप्रिया चौधरी, पार्टी की ग्रहण की सदस्यता। सोनभद्र में डीडीटी छिड़काव में बड़ी अनियमितता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्थायी गोदाम को किया गया सील। मेरठ में चार आशा कार्यकर्ताओं में डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की आशंका, जांच के लिए भेजा गया है सैंपल। चमोली में चार धाम यात्रा को लेकर वैक्सीनेशन हुआ तेज, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें हुई मुस्तैद। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने की बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से बनाए जा रहे कॉमर्शियल निर्माण को किया गया सीज, बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश। हरिद्वार में कोविड टेस्ट घोटाले में राजनीति हुई शुरू, आपके कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। हैदराबाद पुलिस ने चलाया ड्रग्स जागरूकता अभियान, पुलिस द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों का किया जा रहा है जागरूक। हरिद्वार विकास प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही आई सामने, बिना नक्शा पास किए ही चार मंजिला इमारत का कराया जा रहा निर्माण, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारी बने मूक दर्शक। जोशीमठ में बर्फबारी से रुका निर्माण कार्य, बर्फबारी के चलते मजदूर लौट रहे घर, बर्फ गिरने से मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। लक्सर रुड़की मार्ग पर सोलानी पुल के पास सड़क धंसने से हुआ बड़ा हादसा, 30 फीट गहरे तालाब में गिरा डंपर, डंपर में फंसे ड्राइवर को शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। पौड़ी में ड्रग्स जागरूकता सप्ताह का किया गया आयोजन, अभियान चलाकर नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक, कोविड नियमों के पालन के भी दिए गए निर्देश। रुड़की में कुंभ कोविड जांच प्रकरण को लेकर जांच हुई तेज, जजों से जांच कराने की उठाई गई है मांग। में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थान बनाने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। रुड़की में वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों को निर्देश, मंडी में व्यापारियों को जल्द लगाई जाए वैक्सीन, मुनाफाखोरी पर शिकंजा कसने की भी तैयारी। पौड़ी में डीएम ने कलेक्ट्रेट कक्ष में की वर्चुअल समीक्षा बैठक, कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद, बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पौड़ी में कोटद्वार पुलिस ने डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ एक गोष्ठी का किया आयोजन, गोष्ठी में पुलिस के कई आला अधिकारी रहे मौजूद, एसपी ने वॉलंटियर्स की तारीफ। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश की 13वीं में शामिल हुए पूर्व सीएम ने कहा, वरिष्ठ नेता के साथ काम करने का मौका मिला, इंदिरा हृदयेश का रुख अब रहा हमेशा से सकारात्मक। चमोली में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, भूस्खलन से आम जनजीवन हुआ तहस नहस, संचार और विद्युत आपूर्ति हुई ठप। कालियर में खनन ठेकेदार से मारपीट और लूट का मामला आया सामने, ठेकेदार से 1,35,000 रुपए की हुई लूट, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सीएम तीरथ सिंह रावत की सराहनीय पहल, बुजुर्गों की मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर से बुजुर्गों की समस्याओं का होगा निदान।
रुड़की में पबजी खेलने को लेकर हुआ विवाद, एक बच्चे की हुई मौत, पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम रुद्रप्रयाग में जिला गंगा संरक्षण समिति के लिए बैठक, बैठक में अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिकारियों से मांगी जरूरी जानकारी। उत्तराखंड में 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कनाडा में मिली 751 बेनामी कब्रें, मारकर स्कूल के मैदान में दफनाने की आशंका, नक्सली भेदभाव का जताया जा रहा है शक। फाइजर और एस्ट्रोजेनिका की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीनेशन की 60% तक है प्रभारी। H1B वीजा पर US ने राहत की खबर आई है सामने, चुनिंदा विदेशी गेस्ट वर्कर्स फिर से सबमिट कर सकेंगे एप्लीकेशन। मशहूर मैकेफी एंटीवायरस बनाने के लिए जॉन मैकेफी ने स्पेन की जेल में की है खुदकुशी, US प्रत्यर्पण की थी तैयारी। रूस ने काला सागर में ब्रिटिश नेवी के युद्धपोत को रोकने के लिए छोड़े बम, ब्रिटिश ने खारिज किया दावा। स्पेस में भी मिलेगा डिटर्जेंट, अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े धोने के लिए नासा खोज रही समाधान। इब्राहिम रईस के राष्ट्रपति बनते ही बड़ी तकरार, US ने बैन की 30 से ज्यादा ईरानी वेबसाइट। कोरोना की चिंता में बेकाबू हुई फिलीपींस के राष्ट्रपति की जुबान, कहा वैक्सीन ना लगवाने वालों को इंडिया या US भेजा जाएगा। चीन ने बंद किया 26 साल पुराना अखबार एप्पल डेली, आखिरी दिन बिक गई 10 लाख कॉपियां। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें, कैपिटल बिल्डिंग हिंसा की जांच के लिए बनी स्पेशल टीम। शबाना आजमी ऑनलाइन धोखाधड़ी की हुई शिकार, ट्वीट कर मुंबई पुलिस से मांगी मदद। सोनू सूद के घर के बाहर लगी मदद मांगने वालों की भीड़, एक्टर ने वीडियो शेयर कर कहा जिस दिन यह भीड़ गायब हो जाएगी मैं अनुभव करूंगा कि दुखों का अंत हो गया। ये है चाहते फेम, खुशांक अरोड़ा की कार से दिन दहाड़े चोरी, शीशा तोड़ कर लैपटॉप ले उड़े चोर। अरमान कोहली ने सलमान खान तक पहुंचाई फैंस की गुहार, बिग बॉस 15 का बनना चाहते हैं हिस्सा। कानूनी पचड़े में फंस सकती है शेरनी, विद्या बालन की फिल्म से नाराज हैं हैदराबाद के शूटर असगर। फिलहाल 2 का खत्म हुआ इंतजार, 30 जून को रिलीज होगा अक्षय कुमार और निपुण सनोन के गाने का टीजर। टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने खोई अपनी पोजीशन, सभी टीवी शोज को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर पहुंचा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अजय देवगन ने किया नई फिल्म का ऐलान, साउथ के दिग्गज निर्माता के साथ करेंगे तेलुगु हिट फिल्म नांदी की रीमेक।
से निर्देशन करेंगी कंगना रनौत, बोली इमरजेंसी को मुझसे बेहतर कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के एक एपिसोड के लिए लाखों चार्ज करते हैं रोहित शेट्टी, राहुल वैद्य हैं सबसे महंगे कंटेस्टेंट। बिल गेट्स, वॉरेन बफे नहीं है, जमशेद टाटा है दुनिया के सबसे बड़े दानी, 102 अरब डॉलर किए थे डोनेट। मोदी सरकार ने ज्वेलर्स की को दी बड़ी राहत, गोल्ड से भी चुका सकेंगे लोन की रकम। नीता अंबानी का बड़ा ऐलान, इस साल नवी मुंबई में शुरू होगा जियो इंस्टीट्यूट। ई स्कूटर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, टीवीएस मोटर्स समेत कई कंपनियों ने 18,000 रुपए तक घटाई कीमतें। आईटीएटी का बड़ा फैसला, नोटबंदी के बाद हाउसवाइफ के 2.5 लाख रुपए तक की नकद जमा आयकर के दायरे में नहीं। छह करोड़ इफको सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार अलग कर सकती है पेंशन ऑफ पीएफ अकाउंट्स। बीएमडब्ल्यू ने नए कलर्स में लॉन्च की 5 सीरीज, कीमत 62,90,000 से शुरू। मूडीज के बाद एसएनपी ने भी घटाई भारत की रेटिंग, 2021-22 में 9.5% हो सकती है ग्रोथ। बिटकॉइन की कीमतों में आई गिरावट से टेस्ला को झटका, हो सकता है 670 करोड़ रुपए का नुकसान। रिलायंस ने एक साल में दी 75,000 नई नौकरियां, रिलायंस रिटेल 3 साल में देगी 10 लाख लोगों को रोजगार। इंग्लैंड दूसरे टी20 में श्रीलंका के खिलाफ मुश्किल से जीता, मलान फिर हुई फ्लॉप। चहल ने जिम में वर्कआउट करते हुए वीडियो किया शेयर, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाया चहल का मजाक, चहल ने दिया करारा जवाब। डब्ल्यूटीसी फाइनल हारने के बाद विराट कोहली ने अपनी टीम के साथ शेयर की पहली फोटो। विराट कोहली करेंगे टीम इंडिया में बदलाव, प्लेइंग 11 में 2 खिलाड़ियों का कट सकता है पत्ता। रवि शास्त्री की नौकरी पर लटकी तलवार, लगातार 5वीं बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने से भारत नाकाम। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार।